सरकारी दल युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिसके चलते अच्छे प्रवक्ताओं की जरूरत है। ऐसी जानकारी युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। इस दरमियान बताया गया कि यंग इंडिया बोल की सीजन 2 के तहत जिले के अच्छे प्रवक्ताओं को स्पीच कॉम्पिटिशन के माध्यम से ढूंढा जाएगा, जिसके बाद उन्हें प्रदेश स्तर पर हो रही प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश स्तर पर जो 5 प्रतियोगी अव्वल स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें 2 अक्टूबर को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा, जो युवाओं के लिए बहुत बड़ा मंच होगा, ऐसा भी इस दरमियान उन्होंने स्पष्ट किया। यंग इंडिया के बोल सीजन 2 आज इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से महाराष्ट्र में लॉन्च किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज यह देखने को मिल रहा है कि इस देश में एक ऐसा दौर चल पड़ा है जहां पर सरकारी तंत्र युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से केंद्र सरकार निरंतर कई हथकंडे अपना रही है, युवाओं को जेल भेजा जा रहा है, यूएपीए एनएसए लगा करके उन्हें परेशान किया जा रहा है, कई युवाओं के तो घर भी तोड़ दिए जाते हैं। इस दौर में बेबाक और बुलंद आवाज रखने वाले युवाओं की सख्त आवश्यकता है और इस कार्यक्रम से हम जिले वाइज, प्रदेश वाइज और राष्ट्र स्तर पर भी अच्छे वक्ताओं का चयन करने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी कि सबसे पहले जिले स्तर पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिले स्तर पर जो वक्ता अपने विचार बेबाकी से रखते हैं, सही रूप से रखते हैं, उन्हें चयनित किया जाएगा। शीर्ष 5 वक्ताओं को चयनित किया जाएगा, जिसमें से 1 महिला और 1 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होना आवश्यक है। इसके पश्चात जो 5 शीर्ष वक्ता जिले स्तर पर चुने गए हैं उन्हें प्रदेश स्तर पर आयोजित हो रही प्रतियोगिता में आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर एक भव्य आयोजन जो है वह कराया जाएगा और प्रदेश स्तर पर जो 5 वक्ता चुने जाते हैं 2 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्र स्तर की भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व के सभी नेता मौजूद रहेंगे। एक बहुत बड़ा मंच देश के युवाओं को मिलेगा, वह अपनी बात बेबाकी से शीर्ष नेतृत्व के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर सगळ्यात अगोदर तर एक गोष्टी आहे की जे रिक्त जागा आहे त्या ज्या देशात झाली या आपल्या स्टेटमध्ये त्या रिक्त जागा यांनी भरली पाहिजे। परीक्षा टाइम टू टाइम यांनी केली पाहिजे की परीक्षा ज्यापर्यंत ते जसं एक फॉर्मॅलिटी राहते परीक्षा घ्यायला ती परीक्षा अगर हे टाइम टू टाइम नाही करणार तर रिक्त जागा जसं आज मी म्हणतो की 600 लोक हे वर्षातून एक डिपार्टमेंटनी निघून जातात तर आता ते रिक्त झाली आहे जागा तर किमती परीक्षा घ्या लागेल त्यांना तर ती वेळात जर झाली त्यांची परीक्षा तर ती रिक्त जागा आपल्या फील्ड होते। परंतु काय होते यांचे आपसमध्ये काय टकराव आहे, सरकारची काय योजना आहे माहितीच नाही पडत, अजून खाली पोरांना माहितीच नाही पडत। आज पण मी म्हणतो की महाराष्ट्रात गव्हर्नमेंटमध्ये खूप सारी रिक्त जागा आहे, देशात तर आहेच पण आमची सरकार जे चालवत आहे महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात खूप सारे रिक्त जागा आहे, अजून आमची सरकारने हे रिक्त जागा तुरंत दिली पाहिजे ही आमची विनंती आहे। अजून याचा सोडून पण फक्त गव्हर्नमेंट जॉब हे सॅटिस्फाय नाही करू शकते प्रत्येक युवकांना, परंतु गव्हर्नमेंटने काय नीती घेऊन आणायला पाहिजे, नवीन योजना घेऊन आणायला पाहिजे ज्याच्याने बाय सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।